हेलो 3N फैमिली, कैसे हो आप सब। गर्मियों के मज़े तो ले ही रहे होगे, लेकिन यहाँ पे गर्मी हमारे मज़े लिए हुए है। हमने भगवान से ठंडी में मांगा था कि हमारे छत के ऊपर जो टंकी रखी हुई है उससे गर्म पानी आने लगे। बस गाइस 11 बजे आप लोग नल चालू करो और गर्म पानी आने लगा है, जिससे एक चीज़ तो साबित होती है, भगवान सुनता है। देर से ही सही, ठंडी की बात गर्मी में सुनी उन्होंने, इसीलिए उस पानी को पहले फ्रिज में रखना पड़ता है, इसके बाद नहाना पड़ता है। खैर क्या ही कर सकते हैं इस समस्या का, चलो नोबल पे ही चलते हैं, जियोयान की समस्याओं को देखते हैं। किसी ने कहा था कि हमें जियोयान की माँ के बारे में कुछ पता नहीं चला। मे बी कि हो सकता है जो ऑफिशियल राइटर हो वो आगे चल के हमें जियोयान की माँ की स्टोरी बताए, और अगर नहीं बताएगा तो इसकी माँ मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। तो हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था, जियोयान पहुँच गया था हेवन डिवाइन माउंटेन, जहाँ पे किसी का कमेंट भी था कि जियोयान हमेशा उसी टाइम पे पहुँचता है जब कोई सेरेमनी ओकेजन या कोई फंक्शन होने वाला होता है, जो सैकड़ों हजारों सालों से नहीं हुआ होता, पता नहीं कैसा कोइंसिडेंस है इसके साथ। देन हमने देखा था जियोयान वहाँ ताक झांक करता है, घूमता फिरता है। इसके बाद एक एल्डर स्टोन टैबलेट को फेयर करते हैं, स्टोन टैबलेट सबका टेस्ट लेती है जिसमें अपना डर की पास हो जाता है, और इसके बाद जियोयो के साथ वो हेवन डिवाइन माउंटेन के अंदर एंटर होता है। साथ ही जियोयान के चारों तरफ रेड लाइट घूम रही होती है, तभी वही सिल्वर कलर के कपड़े पहने हुए एक बंदा जियोयान की तरफ देखते हुए कहता है, जितना जल्दी हो सके इसे रेड लाइट से छुटकारा पा लो, वरना ये खूसट बुड्ढे तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी हर एक बात पे नजर रखेंगे। तभी जियोयान उसको देखकर काफी हैरान होता है, तो वो बंदा तुरंत ही कहता है, तुमने सिचुएशन टेक्निक को भी मास्टर कर लिया है, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्या तुम कुछ बड़ा करने पे इंटरेस्टेड हो। और इसके बाद हमने ये एपिसोड यहीं पे एंड कर दिया था, उसने बहुतों का बहुत बड़ा बड़ा किया है, उससे अब और ज़्यादा बड़ा मत करवाओ। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जियोयान तुरंत ही कहता है, तुम कौन हो। और इस टाइम पे तो जियोयान काफ़ी कंफ्यूज होता है, और वो काफ़ी अलर्ट तरीके से बंदे को देख रहा होता है। दूसरी तरफ जियोयो भी काफ़ी ज़्यादा चौंके हुए तरीके से उसी की तरफ देख रहा होता है। जियोयो की पीठ में तो हल्का सा पसीना भी आ गया था, क्योंकि उसने तो ध्यान भी नहीं दिया था कि उसके पास वास्तव में कोई पर्सन आ गया है। तभी वो बंदा कहता है, नाराज मत हो, मुझे तुम्हारी सिचुएशन टेक्निक में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, इसे कल्टीवेट करना काफ़ी ज़्यादा पेनफुल है, हमसे ना हो पाएगा। और ऐसा कहते हुए वो बंदा तुरंत उठ के खड़ा हो जाता है, और इसके बाद एक कदम आगे बढ़ाते हुए सीधा ही जियोयान के सामने आ जाता है, और जियोयान को देखते ही इसके चेहरे पर एक स्माइल होती है। तभी जियोयान भी स्माइल करते हुए कहता है, तो फिर आप क्या चाहते हैं। साथ ही जियोयान की ओरिजन कोई भी एक्टिव होती है, और वो किसी भी टाइम पे अटैक करने और डिफेंस करने के लिए रेडी था, क्योंकि उसके सामने का जो ये पर्सन था ये काफी अजीब था, और वो केवल एक नजर में बता सकता था कि जियोयान ने सिचुएशन टेक्निक को मास्टर कर लिया है। और इसके अलावा जियोयान अपनी स्पिरिचुअल पावर से भी बाद वाले की पावर को नहीं देख पा रहा था। तभी वो सिल्वर कलर के कपड़े पहने हुए बंदा जो बिल्कुल एक गॉड की तरह लग रहा होता कहता है, हेवन डिवाइन माउंटेन में आपके ऊपर काफी रिस्ट्रिक्शंस होंगी, और अगर आप कुछ रिस्ट्रिक्टेड प्लेसेस में एंटर होना चाहते हैं तो बहुत से लोग आपको रोकने आएंगे। ये सुनकर जियोयान तुरंत ही अपने चारों तरफ घूम रही रेड लाइट को देखता है। दूसरी तरफ जियोयो भी अपनी जीभ बाहर निकालता है, क्योंकि उसे भी इसके बारे में पता नहीं था। तभी वो बंदा कहता है, लगता है मेरे लिए अब कुछ बड़ा करने का टाइम आ गया है। और इसके बाद वो स्माइल करता है और कहता है, टेंशन मत लो, इसमें तुम्हें काफी ज्यादा प्रॉफिट होगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करना होगा, वरना तुम्हें अपनी टूटी हुई हड्डियों के साथ यहीं पे मरना पड़ेगा। तभी जियोयो कहता है, कितनी बड़ी बड़ी बातें करता है तुच्छ मूर्ख, तू जानता है मैं कौन। और इससे पहले ही जियोयान उसे खींच लेता है और कहता है, बस बस मैं बात करता हूँ। और इसके बाद जियोयान सिल्वर कलर के बालों वाले लड़के के सामने आता है। जियोयान उसकी बॉडी से खतरनाक इविल पावर को फील कर सकता, स्ट्रॉन्ग पावर को फील कर सकता था, और ये एक ऐसा था जैसे ये पर्सन काफी ज्यादा टैलेंटेड, मिस्टीरियस और अनएक्सपेक्टेड हो, और इसके आसपास एक अजीब ही फॉग हो जो इसे हर एक चीज से प्रोटेक्ट कर रही थी। बंदा काफी ज्यादा दुबला पतला, और उसके बाल काफी काले और घने थे, चेहरा गोरा, होंठ गुलाबी, और फेस में काफी कॉन्फिडेंट फेस इंप्रेशन थे, और बिल्कुल एक एक्सपर्ट की तरह ये लग रहा होता है। तभी वो बंदा कहता है, चिंता मत करो, तुम्हें बस मेरे पीछे आना होगा, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। तभी जियोयो कहता है, तुम कौन हो, हेवन डिवाइन माउंटेन में और डीकुन सेट के एरिया में तुम अभी भी इतने ईगोफुल क्यों हो, क्या तुम हेवन स्काई सेट के सन हो। तभी वो बंदा स्माइल करते हुए कहता है, नहीं। और इसके बाद वो अपने सिर को नीचे करते हुए जमीन की तरफ इशारा करता है, और इसके बाद कहता है, मैं मिंग्यांग डिवाइन डोमेन से ही हूँ। तभी जियोयान कहता है, मैं जियोयान हूँ, और ये मेरा ब्रदर जियोयो है, मैं आपको किस नाम से बुला सकता हूँ। और इसके बाद जियोयान की बॉडी से उसका ऑरा रिलीज होता है, जो कि बंदे की ऑरा को सप्रेस करने लगता है। तभी वो बंदा कहता है, मेरा नाम सैन यूयूए है। ये राइटर ने कौन सी वोकैबुलरी उठा ली है यार, पहले साला सुके यूए वो प्रोनाउंस करते नहीं बन रहा था, अब ये यूयूए मिल जा राइटर, मैं तुझे बताता हूँ। तभी उसका नाम सुनते ही जियोयान अपनी भौहें खड़ी कर लेता है और कहता है, सैन, क्योंकि जियोयान जो जानता था उसके अकॉर्डिंग मिंग्यांग डिवाइन डोमेन में सैन सरनेम वाली तो कोई भी बड़ी फैमिली नहीं थी, और उसके सामने जो बंदा था तो फिर वो आखिरकार था कौन। तभी वो बंदा कहता है, लेट्स गो, और यूयूए के
चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वो अपनी उंगली से एक जगह की तरफ इशारा करता है। तभी जॉन कहता है, मैं इस हेवन डिवाइन माउंटेन से ज्यादा फैमिलियर नहीं हूँ, क्योंकि आपका इरादा है, आइए इसे साथ में देखते हैं। जॉन की बात को सुनकर जियो यो भी चौंक जाता है। साथ ही उसने फील किया था कि जॉन की वॉइस काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट थी और ऑरा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, मतलब अपना ठरकी कहीं पे भी झुकने की हिम्मत नहीं दिखाता, पुष्पा भाव है अपना ठरकी। जिसके बाद जोयान जोयो के हाथ को पकड़ते हुए कहता है, ये हेवन डिवाइन माउंटेन काफी अजीब है और हम जो भी कदम उठाते हैं उन्हें वो सभी लोग देख रहे होंगे, इसलिए हमें पहले इसे रेड लाइट से छुटकारा पाने का तरीका सोचना होगा, जिसके बाद हम उसे कुछ टाइम के लिए फॉलो करेंगे और जब मौका मिल जाएगा तो मेरे पास यहाँ से बचने का कोई ना कोई उपाय जरूर होगा। और क्योंकि दोनों ही लोगों के दिमाग एक दूसरे से जुड़े हुए थे, इसलिए वो टेलीपैथी से एक दूसरे से बात कर लेते हैं। तभी जोयो सिर हिलाते हुए कहता है, मामू मुझे भी लगता है एक पर्सन काफी ज्यादा अजीब है, देख मामू अपन को जिंदा रहना है इसीलिए अपन अलर्ट रहेंगे। तभी जॉन कहता है, चिंता मत करो मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। और जो यो की पीठ से फसावते हुए हेवन डिवाइन माउंटेन के डीप एरिया में सैन जियो यू यू का पीछा करने लगता है। राइटर ने साला नाम ही बदल दिया, अब ये नाम ठीक है। लेकिन तभी वो बताता है, ये लाल घेरा आपकी ओरिजिन कुई से जुड़ा हुआ है और अगर आप इसे छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको ओरिजिन कुई से अपनी पूरी बॉडी को रिफाइन करना होगा। साथ ही हेवन डिवाइन माउंटेन की बर्थशिप सेरेमनी में अभी भी एक महीने से भी कम का टाइम बचा है और उस टाइम पे ही हम अपने काम को करेंगे और उससे पहले हम डीकून सेट द्वारा दिए गए इस मार्क को भी हटा देंगे। और इस टाइम पे इस घने जंगल में पावरफुल वाला चारों तरफ फैला हुआ होता है और हर एक पौधे के अंदर ऐसा लग रहा होता है कि जैसे डिवाइन पावर समाई हुई हो। और सैन जियो यू जो यान के सामने खड़ा हुआ होता है उसकी आवाज काफी शांत होती है, जिसके बाद वो कहता है, ये ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन पिल है, ये आपके मैरो को साफ कर सकती है और ओरिजिन कुई को एक बार फिर से रिफाइन कर सकती है, और ये दो पिल्स आप दोनों की ओरिजिन कुई को रिफाइन कर सकती है, और इसके लिए मैं आपको तैयारी का एक दिन दूंगा और इसके लिए मैं स्काउट के लिए आसपास जाऊंगा। और इसके बाद वो पर्पल कलर की दो पिल्स जो यान और जियो यो की तरफ बढ़ा देता है, जिसके बाद सैन जियो यू यू अपने हाथ में उस पिल को निकाल कर कहता है, ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन पिल, ये टियर 7 की मेडिसिनल पिल है और ये काफी हाई ग्रेड की पिल है। और उस पिल के अपेयर होते ही जियो यान उसकी बॉडी का ऑरा काफी बुरी तरीके से बेचैन होने लगता है। तभी सैन जियो यू यू तुरंत ही कहता है, यहाँ से भागने के बारे में मत सोचना, यहाँ पे हर एक पेड़ पौधे के अंदर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग किलिंग इंटेंट ऑरा है और आप तब तक यहाँ सर्वाइव नहीं कर सकते जब तक आप हेवेनली सॉवरेन ना हो, लेकिन ये आप पर तभी अटैक करेंगे जब आप कुछ अलग या गलत करने की कोशिश करेंगे। तभी जॉन कहता है, ये बंदा आखिरकार कौन है जो एक टियर 7 की पिल को निकाल सकता है। साथ ही जॉन इस पिल की क्वालिटी को भी फील किया था जो कि काफी हाई लेवल की थी, जिसके बाद जॉन कहता है, इंटरेस्टिंग, ऐसा लगता है कि यह किसी एलाइट फैमिली का फैमिली मेंबर है। साथ ही जॉन इस पिल की स्पेशलिटीज से भी काफी ज्यादा फैमिलियर था, इसलिए जॉन तुरंत ही क्रॉस लेग करके बैठ जाता है। और जॉन के अंदर की ओरिजिन को इस टाइम पे बाहर तैर रही होती है और उसके ट्रांसफॉर्मेशन पिल के चारों तरफ घूम रही होती है, जिसके बाद उस पर्पल येलो पिल के अंदर से एक लाइट निकलने लगती है जो कि जॉन की ओरिजिन क्वी के चारों तरफ घूमने लगती है। दूसरी तरफ जियो यो भी अपने हाथ में ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन पिल को पकड़कर पूरी तरीके से अपने ध्यान को कंट्रोल करता है और जॉन को घूर रहा होता है, क्योंकि वो अपने ऑरे को निखारने की या कि रिफाइन करने की जल्दी में नहीं था। ये जगह काफी खतरनाक थी और वो यहाँ पे जियो यान को प्रोटेक्ट कर रहा था। दूसरी तरफ जॉन की बॉडी के इन्फाइनेट ओरिजिन कोई ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन पिल से रिफाइन होने के बाद एक बार फिर से जॉन की बॉडी के अंदर आ जाती है और यहाँ तक कि आसपास की ओरिजिन कोई भी इस टाइम पे जॉन की बॉडी की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी, जिससे जॉन सभी एक्यूपंचर पॉइंट्स को ओपन कर देता है और आसपास की ओरिजिन कोई को भी अब्सॉर्ब करने लगता है। साथ ही स्पीड भी काफी ज्यादा फास्ट होती है और कुछ ही टाइम के अंदर जॉन की बंदा की अचानक से ओपन होती है और एक लाइटिंग की गड़गड़ाहट जैसी आवाज के बाद एक काफी स्ट्रॉन्ग और बड़ा सा माउंटेन जॉन के पीछे दिखाई देता है, जिसके बाद जियो यान की दो कोई चेन्स इस सीन को तोड़ देती हैं और सीधा ही आसमान की तरफ उड़ने लगती है। दूसरा जॉन जो कि जमीन में क्रॉस लेग बैठा था उसका पूरी बॉडी ओरियन कुई से काफी स्ट्रॉन्गली घिरी हुई होती है और जॉन की पूरी बॉडी गोल्डन लाइट से ढकी हुई थी, जिसके बाद वो कुई चेन्स आपस में एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाती है और वापस से जॉन की बॉडी के अंदर एंटर हो जाती है। और इसके बाद जियो यान उसकी आंखें गोल्डन साइन होने लगती हैं और वो स्पेस को देख रही होती है, जिसके बाद अचानक ही जॉन कुछ एल्यूजन सा फील करने लगता है, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है और अगले मोमेंट उस ब्लैक जगह से जो कि जॉन की आंखों के सामने थी एक पर्पल लाइटिंग बोल्ट दिखाई देता है जो अजीब तरीके से साइन हो रहा होता है और इसके बाद पिच ब्लैक जगह डिस्ट्रॉय होती है और एक मुरझाया हुआ हाथ जिसमें मांस खून कुछ भी नहीं था केवल हड्डी थी वो सीधा ही जो यान की तरफ बढ़ता है। ये देखकर जॉन काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है, वो पल के झपकाने ही वाला था कि वो देखता है कि वो हाथ उसके करीब आ गया है और इसके बाद वो जियो यान को पकड़ लेता है, जिससे जॉन अपनी आंखें बंद कर लेता है और पावरफुल तरीके से रोर करता है और जॉन की आंख के कोनों से दो खून की ड्रॉप्स निकलती हैं। ये देखकर जियो चौंकते हुए कहता है, मामू क्या हुआ, और तुरंत ही आगे बढ़ता है। तभी जियो यान अपनी आंखों को ढकने के लिए अपनों हाथों का यूज करता है और उसकी उंगलों के बीच से ब्लड निकलने लगता है। इस टाइम पे जॉन काफी देर बाद अपनी आंखें खोलता है तो उसकी आंखें पूरी तरीके से लाल थी, जैसे कि उन आंखों को जला दिया गया हो।
तभी जॉन कहता है, अगर आप कुछ ऐसा देखते हैं जो आप नहीं देखना चाहते तो हो सकता है कि आप अंधे हो जाएं। और ऐसा कहते हुए जोयान खुद पर ही हंसता और पलकों को झपका कर धीरे धीरे अपने दर्द को कम करता है। तभी जोयो कहता है, मामू ये इतना डरावना क्यों था? साथ ही जॉन की आंखें गोल्डन साइन हो रही होती है और धीरे धीरे जॉन की आंखों का कलर वापस से नॉर्मल हो रहा होता है। तभी जॉन कहता है, ये होना चाहिए हेवन डिवाइन माउंटेन की चीजों से जुड़ा हुआ कुछ। साथ ही जोयान उसे नहीं पता था कि वो मुरझाया हुआ हाथ किसका था जिसने उसे इस हद तक मजबूर कर दिया था। साथ ही जॉन समझ गया था कि हेवन डिवाइन माउंटेन में उन लोगों की पावरफुल पावर हो सकती थी जो एशियन टाइम पे यहाँ पे गिरे थे लेकिन अब तक पूरी तरीके से नहीं मरे थे। तभी जोयो कहता है, मामू ये सच में काफी डरावना था। साथ ही सैन जियो ने भी कहा है कि वो कुछ बड़ा करने जा रहा है, मुझे तो लगता है कहीं वो मर ना जाए। तभी जॉन कहता है, जितना ज्यादा खतरा उतना ही ज्यादा मजा, चलो देखते हैं ये क्या होने वाला है। जिसके बाद जॉन खड़ा होकर अपनी बॉडी को देखता है तो उसकी बॉडी से रेड लाइट गायब हो चुकी होती है। जिसके बाद जॉन इस्तेमाल करते हुए जोयान को जियो को देखता है और कहता है, तुम्हें भी ओरिजिन ट्रांसफॉर्मर सर्पल का यूज करना चाहिए और बाकी चीजों के बारे में ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। इस टाइम पे जॉन केवल इस जगह पर जियो पर ही टेस्ट कर सकता था। तभी जियो भी कहता है, ठीक है मैं जल्द से जल्द अपनी पावर को बढ़ाऊंगा और हम दोनों साथ में मिलकर आगे चलेंगे। यहाँ तक कि भले ही मोनार्क कल्टीवेशन लेवल का वॉरियर ही क्यों ना हो, मामू हमें डरने की जरूरत नहीं होगी। और ऐसा कहते हुए वो स्माइल करते हुए जमीन पर बैठ जाता है और उस ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन पिल को अपने सामने रख लेता है। और ये देखकर कि जियो कल्टीवेशन में चला गया है, जियोयान का टेंशन वाला दिल भी धीरे धीरे शांत हो जाता है और वो अपनी स्पिरिचुअल पावर को चारों तरफ फैला देता है। जिसके बाद जॉन कहता है, यहाँ पे प्रेशर वास्तव में काफी स्ट्रॉन्ग है। जॉन ने फील किया था कि आसपास की एयर का प्रेशर 10,000 किलोग्राम के आसपास था, यहाँ तक कि वो ढंग से सांस भी नहीं ले पा रहा था। यहाँ तक कि हर एक पौधा यहाँ पे काफी प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी से भरा हुआ होता है, जैसे कि ये हेवन और अर्थ की एसेंस पावर से बना हुआ हो। साथ ही जॉन ने फील किया था कि यहाँ पे एनर्जी काफी ज्यादा हॉट थी और यंग एनर्जी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। और ये सोचकर जोयान तुरंत ही स्माइल करते हुए हेवन डिवाइन माउंटेन के डीप एरिया की तरफ देखता है, क्योंकि उसे पता था कि वो हेवन डिवाइन माउंटेन के डीप एरिया के जितना करीब होगा यंग एज ट्रिब्यूट उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। साथ ही जॉन को स्टार मून आइलैंड से जो नॉलेज मिली थी उसमें इस जगह के बारे में भी कोई डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं था, लेकिन जॉन को 1000 लीफ एशियन एम्परर फ्रेम के लिए इस जगह पर जाना ही था। और जॉन को नहीं पता था कि इसके लिए किस तरीके की रिक्वायरमेंट की जरूरत होगी। हाँ कि जॉन ये सोच ही रहा था कि तभी अचानक से मेटल के टकराने जैसी आवाज आती है और जियो पावरफुल तरीके से रोड करते हुए अपनी बॉडी को धीरे धीरे स्टेबल करता है और अपनी आंखें खोलता है। और इस टाइम तक उसने भी रेड लाइट से छुटकारा पा लिया था। और जियो को रेड लाइट से छुटकारा पाता हुआ देखकर जोयान भी स्माइल करता है। साथ ही उसने फील किया था कि जियो की पावर भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। तभी एक आवाज आती है, मैं आधे दिन से इंतजार कर रहा हूँ, तुम लोग वास्तव में टाइम बर्बाद कर रहे हो। और ये आवाज और किसी की नहीं बल्कि सैन जियो की थी जो अचानक ही अपेयर हो गया था। तभी जॉन कहता है, तुम्हें वेट कराने के लिए माफ करो, और एक स्माइल को शो करता है। तभी सैन जियो कहता है, इन दिनों और भी लोग होंगे जो हेवन डिवाइन माउंटेन में एंटर हो चुके होंगे और वे सभी लोग हमारे एनिमी हैं और हमें उन सभी लोगों को मार डालना है। और इसके बाद वो अपने हाथ से एक दूसरी जगह की तरफ इशारा करता है जो कि उसकी पहुंच से कुछ ही दूरी पर थी और उसकी वॉइस में एक अलग सा ही पागलपन होता है। तभी वो कहता है, वहां पे एक ग्रेव है जहां पे एशियन टाइम के पावरफुल फिगर को दफनाया गया था। साथ ही उस ग्रेव के स्टोन के ऊपर एक पावरफुल और स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड है जो कि लगभग किसी डिवाइन वेपन के बराबर है और मुझे वही चाहिए है। तभी यह सुनकर जोयान और जियो दोनों ही चौंक जाते हैं कि वो वास्तव में होली आर्टी क्राफ्ट को चाहता है। जॉन को पता था एक होली आर्टी क्राफ्ट सुप्रीम सेंट लेवल के वॉरियर को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती थी, नॉर्मल लोगों की तो कहने की ही बात नहीं थी। तभी जॉन एक स्माइल के साथ, जो कि स्माइल तो बिल्कुल नहीं होती, कहता है, तो आप अब एक ग्रेव लूटना चाहते हैं। तभी सैन जियो कहता है, इस टॉम काउनर एशियन टाइम पे मर चुका था, हालांकि कुछ साल पहले ये एक बार फिर से जिंदा हुआ था लेकिन वो अपनी फिजिकल बॉडी को क्रिएट नहीं कर पाया था, इसीलिए वो वास्तव में पूरी तरीके से मर गया और अब ये चीज ओनरलेस चीज है जिसका कोई भी मालिक नहीं है। और उसके हाव भाव काफी शांत होते हैं और चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल होती है, जिसके बाद वो काफी स्पीड से आगे बढ़ता है और जियोयान और जियो उसका पीछा करते हैं। यहाँ तक कि ऐसी एक चीज जो कि होली आर्ली क्राफ्ट के बराबर आर्टी क्राफ्ट के बराबर थी, एक सुप्रीम सेंट हेवनली सावरेन लेवल का वॉरियर भी आसानी से उसका सामना करने की हिम्मत नहीं करता था। साथ ही जियो को तो यह बंदा बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। तभी सैन जियो कहता है, क्योंकि मैं वहां जाने की हिम्मत करता हूं, तो स्वाभाविक है कि मैं उसके बारे में कुछ जानता हूं। साथ ही आपके पास सिचुएशन का सीक्रेट आर्ट है, फिर भी आपके लिए सावधान रहना काफी अच्छी बात होगी। और इसके बाद वो तुरंत ही कहता है, ये आखिरी बार होगा, मुझे पसंद नहीं है कि कोई मेरे फैसले पर उंगली उठाए। तभी जियो गुस्से में आकर कहता है, महामहिम क्या आप कुछ ज्यादा ही ईगोफुल नहीं है? क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि आप हेवन डिवाइन माउंटेन के गॉड हैं? और इसके बाद वो कुछ और बोलने ही वाला था कि तभी जोयान आगे बढ़कर उसे रोक देता है और कहता है, बस रुक जा। तभी ये सुनते ही सैन जियो अचानक से अपनी स्पीड को धीमा करता है और सिर घुमाकर जियो को देखते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि तुम्हारी पावर कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है।
तभी जॉन कुछ नहीं कहता और उसकी आंखों में धीरे धीरे क्रिमसन गोल्डन फ्लेम साइन होने लगती है और जॉन की पावरफुल ऑरिजन कोई काफी वाइल्ड प्रेशर को लेकर धीरे धीरे सेंट जो की तरफ बढ़ती है। दूसरा जियो जब ये देखता है और जॉन को अपने पास खड़ा हुआ देखता है तो पूरी तरीके से निडर होकर सेंट जो को घूरने लगता है और ऐसा लग रहा था कि वो अटैक करने के लिए रेडी हो। तभी सेंट जो कहता है, ये जगह क्या है, आपको ये जानना होगा कि आप कौन है। और इस टाइम पे वो जोयान और जो यो को देख रहा होता है जो काफी ब्रेव दिखाई दे रहे होते हैं। तभी जॉन कहता है, मुझे खेद है, कभी कभी मेरे आंखों में कुछ अजीब दिखाई देने लगता है। तभी सेंट जो कहता है, यह हेवन डिवाइन माउंटेन है और अगर हम यहाँ पे एक दूसरे पर अटैक करते हैं तो इसका फायदा दूसरे लोग उठा सकते हैं और आखिरकार आप और मैं पहले ऐसे लोग हैं जो कि एक दूसरे से हेवन डिवाइन माउंटेन में मिले हैं और हमें अभी भी एक दूसरे से परिचित माना जा सकता है। तो ये कैसा होगा अगर हम अपने पास्ट के बारे में सब कुछ छोड़कर उस टूटी हुई ब्रेकेबल स्लॉट को एक साथ मिलकर प्राप्त करने की कोशिश करें। तभी जॉन कहता है, इसमें हमारा क्या फायदा है। साथ ही जॉन के दिल में इस बात के लिए कुछ सहमति भी होती है क्योंकि ये जगह काफी अजीब थी और अगर वो यहाँ पे मर जाता है तो उसके लिए काफी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। साथ ही ये बात जियो यो भी समझता था, इसलिए वो भी ज्यादा नाराजगी नहीं जताता। तभी सेंट जियो कहता है, आप दोनों उस टूटी हुई स्लॉट के कुछ पार्ट्स को प्राप्त करने में कैपेबल हो सकते हैं जो मैंने ली हुई है और इसके बाद उसकी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं कि उसके भीतर एक होली आर्ट होगी जो आपको मिल सकती है। तभी जॉन स्माइल करते हुए कहता है, क्या तुम कंफर्म हो कि तुम एक मरे हुए इंसान के ग्रेव से जिंदा बाहर निकल सकते हो। इस टाइम पे जो यान को किसी भी चीज की ज्यादा परवाह नहीं थी। तभी सेंट जियो कहता है, इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे मैं डरता हूँ। तभी जॉन अपने होठों को सिकोड़ते हुए कहता है, तो मुझे क्या करना है। तभी सेंट जियो कहता है, वहाँ पहुँचने के बाद हम इसके बारे में बात करेंगे, अभी से ही उस सिचुएशन का वर्णन नहीं किया जा सकता। और इसके बाद जोयान और जोयो को उस डायरेक्शन की तरफ इशारा करते हुए वो कहता है, चलो चलते हैं। तभी जॉन कहता है, चलो अगर हम होली आर्ट को प्राप्त कर सकते हैं तो हेवन डिवाइन माउंटेन की इस जर्नी को बेकार नहीं माना जाएगा। और जोयो भी जॉन की बातों को सुनकर सीरियस तरीके से अपना सिर हिलाता है। तभी एक आवाज आती है, ये बारिश और लाइटिंग की रात, शायद इसे वो दिन कहा जाता है जब सभी लोग हेवन डिवाइन माउंटेन में एंटर होते हैं। और ये आवाज सन्नाटे को तोड़ते हुए एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर व्हाइट फिगर वाले एक आदमी को दिखाती है जिसके हाथ उसके पीठ के पीछे होते हैं और काफी पावरफुल और उसकी बॉडी से रिलीज हो रहा होता है। इसकी आंखें दो धधकते हुए सूरज की तरह थी जो किसी को भी उसकी आंखों में देखने की इजाजत नहीं देती थी। तभी एक आवाज आती है, लिंग लुंग जी, आप हेवन स्काई सेक्ट के सन हैं और स्क्रोल के वंशज भी। इस तरीके का थॉट ना रखना बेहतर होगा। आपका मिशन हर कीमत में डीकुन सेक्ट की सेंट को हराना है। डीकुन सेक्ट की सेंट शायद मुझे लगता है जेट फेरी ही होगी, पर देखेंगे कौन है। और इसके बाद लिंग लिंग जू के पीछे व्हाइट वालों वाली एक ओल्ड लेडी अपेयर होती है जो धीमी आवाज से उसे डांट रही होती है। तभी वो कहता है, वो कहती है, सभी सेंटों ने इस मिशन को पूरा कर लिया है और ऐसा लगता है कि 5000 साल पुराने इस सेरेमनी में कुछ ही 100 साल और बाकी हैं और अगर आप इस बार नहीं जीते तो पूरे हेवन स्काई सेक्ट के लिए आप पापी बन जाएंगे। ये सुनकर लिंग लुंगजी नाम के पर्सन की भौहें तन जाती हैं और वो बिल्कुल भी शांत नहीं दिखाई दे रहा होता। जिसके बाद वो ओल्ड लेडी की तरफ पीट करते हुए कहता है, आप कितना ज्यादा गुस्सा करती हैं, यही बात आप कितनी बार कह चुकी हैं। और इसके बाद वो घूमकर ओल्ड लेडी की तरफ देखते हुए कहता है, अगर तुम अब और ज्यादा मुझे परेशान करोगी तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। और उसकी वॉइस काफी ज्यादा कोल्ड होती है और इनफाइनाइट यंग एनर्जी चारों तरफ से उस ओल्ड मैन की ओल्ड लेडी को घेर लेती है जिससे ओल्ड लेडी के फेस इंप्रेशन बदल जाते हैं और उसकी बॉडी कांपने लगती है। जिसके बाद ओल्ड लेडी खुद को कंट्रोल करते हुए कहती है, लिंग लुंग जी मेरी बात सुनो, अभी तुम जो कर रहे हो वो हेवन स्काई सेक्ट के 10,000 साल पुरानी स्ट्रेटजी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। कुछ ओल्ड एंसेस्टर्स के सेरेमनी के लिए हेवन डिवाइन माउंटेन में एक पोजीशन को आपको भी हासिल करना चाहिए और अगर तुम ऐसा कर सकते हो तुम जरूरी उस लेवल तक पहुंच पाओगे और इमोर्टल बन पाओगे। और इसके बाद वो कहती है, मेरे पास केवल एक नॉर्मल लाइफ है, तुम चाहो तो मुझे मार सकते हो लेकिन अगर एक बार तुम अनसक्सेसफुल हुए तो मुझे डर है कि तुम्हें मौत से बदतर जिंदगी दी जाएगी। और ऐसा कहते हुए वो हंसने लगती है जिसमें लिंग लुंग जी हंसते हुए कहता है, समझ गया। और इस टाइम पे उसका ऑरा काफी ज्यादा कोल्ड होता है और इसके बाद वो माउंटेन के नीचे की तरफ छलांग लगा देता है और काफी स्पीड से आगे की तरफ जाने लगता है। साथ ही माउंटेन के बीच से जाते हुए उसकी बॉडी किलिंग इंटेंट ऑरे से भरी हुई होती है। जिसके बाद वो कहता है, क्या मजाक है, सेंटों की सभी जनरेशन उनके हाथों पे केवल शतरंज के मोहरों की तरह ही थे, क्यों आखिरकार उन्हें ऐसा क्यों करना चाहिए। और उड़ते हुए अचानक उसका हेयर पैन भी टूट जाता है और उसके बाल हवा में लहराने लगते हैं और वो काफी गुस्से से चिल्ला रहा होता है। और वो चिल्लाते हुए कहता है, मैं भी एक पर्सन हूँ, मैं कोई चीज नहीं हूँ जिसका कोई भी अपने डिजायर को पूरा करने के लिए यूज कर सकता है। और इस टाइम पे लुंग लुंग जी बिल्कुल एक पागल आदमी की तरह दिखाई दे रहा होता है जो बिना किसी टारगेट के आगे की तरफ दौड़ रहा होता है। जिसके बाद वो अचानक से कहता है, किसी ने उसे मार डाला।
इस टाइम पे उसके पास कोई भी अपना गुस्सा निकालने के लिए नहीं होता और वो केवल अपने गुस्से को निकालने के लिए चीख और चिल्ला सकता था। जिसके बाद हमें सीन शिफ्ट हुआ दिखाया जाता है और एक बैम्बू फॉरेस्ट दिखाया जाता है जो काफी यार सुंदर था। पहाड़ और झरने बह रहे होते हैं और काफी प्यारी सी आवाजें यहाँ से आ रही होती हैं। और हेवन डिवाइन माउंटेन में शायद ही ऐसा सीन देखना सबके लिए रेयर था। जिसके बाद व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए एक एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल लड़की नदी के किनारे पर बैठी हुई होती है। उसके जड़ जैसे व्हाइट पैर पानी में रखे हुए थे और उसके दिल में उसकी पास्ट की मेमोरीज धीरे धीरे सो हो रही होती हैं। साथ ही ये लड़की भी काफी ज्यादा एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल होती है। साथ ही उसके चेहरे पे काफी अलग सा ही अट्रैक्शन होता है जो किसी को भी पूरी तरीके से अट्रैक्ट करने के लिए काफी था। हालांकि तभी लड़की का चेहरा इम्प्रेशनलेस तरीके से होता है और वो तुरंत ही कहती है, यहाँ पे कौन है? हालांकि उसने केवल ये कहा ही था, वो अपनी बॉडी में कोई भी मूवमेंट नहीं करती। तभी एक आवाज आती है जो तुम्हें मारने वाला है। और इसके बाद एक ओरिजन कोई पिलर तुरंत ही हवा में लहराता हुआ उस लड़की की तरफ बढ़ने लगता है। देख रहे हो, मतलब कोई लड़की जंगल में अकेली है, बेचारी बैठी हुई है, तो तुम्हें उस पर अटैक करना चाहिए? ये अच्छी बात है, तुम्हें क्या करना चाहिए बताओ? तुम्हें उस लड़की को बचाना चाहिए, उसे सपोर्ट करना चाहिए, और ऊपर से सुंदर हो तब तो और रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बंदे ने अटैक कर दिया, चलो देखते हैं अभी ये कैसे फूटने वाला है। तभी वो लड़की अचानक से हवा में लहराते हुए काफी अजीब तरीके से उस अटैक से डॉच करती है और उसके बाद पानी की बूंदें धीरे धीरे इकट्ठा होकर एक पर्दे में बदल जाती हैं और उसके पीछे वो खड़ी हुई होती है। जिसके बाद वो लड़की तुरंत ही कहती है, हम पहले कभी नहीं मिले, फिर तुम यहाँ मुझे परेशान करने क्यों आए हो? और उसके बाद वो अपने सामने की लड़की की तरफ देखती है जिसने व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए थे। तभी लिंग लुंगजे लड़की के कोल्ड फेस एम्पशन को देखता है तो स्माइल करता है और उसके बाद वो अपने पांचों उंगलियों को सिकोड़ कर एक पंच भींचता है कि तभी अचानक से वो पावरलेस होकर जमीन पर गिर जाता है। और इस टाइम पे उसके दिल का गुस्सा काफी ज्यादा कम हो गया था इस लड़की को देखते ही। जिसके बाद वो कहता है, मैं बस काफी ज्यादा गुस्से में था और मेरे पास अपना गुस्सा निकालने के लिए कोई नहीं था, मुझे माफ करो, मैंने तुम्हें परेशान किया। और ऐसा कहते हुए वो स्माइल करते हुए एक कदम पीछे हट जाता है और वो फिर से अटैक नहीं करता। तभी वो लड़की कहती है, तुम गुस्से में हो, इसका मतलब है तुम किसी बात को लेकर दुखी हो। और उसके बाद वो धीरे धीरे अपने जेड व्हाइट पैरों के साथ घास में चलते हुए आगे बढ़ रही होती है। उसकी स्किन ग्लो कर रही होती है, बाल झड़ने की तरह हवा में तैर रहे होते हैं। जिसके बाद वो लड़की कहती है, हर बार जब हेवन डिवाइन माउंटेन की वर्शिप सेरेमनी स्टार्ट होती है तो बहुत से लोग होते हैं जो मारे जाते हैं और ये ओकेजन हमेशा ही काफी ज्यादा पेनफुल होता है। साथ ही घास में चलते हुए वो लड़की कुछ सोच रही होती है और किसी को भी नहीं पता था वो क्या सोच रही है। तभी लिंग लुंग जी, जो कि चुपचाप वहाँ पे खड़ा हुआ होता है, अब तक उसके दिल का गुस्सा भी समाप्त हो चुका होता है और वो उस लड़की के चिकने चेहरे को देखता है तो उसे अपने दिल में काफी ज्यादा पीसफुल फील होता है, यानी कि शांति फील होती है। तभी वो लड़की कहती है, हम सभी लोग इसी वजह से पैदा हुए थे और हम में से कौन किसी के द्वारा कंट्रोल नहीं हो रहा। ये फ्रीडम मैंने कितने सालों से इसे फील नहीं किया कि ये कैसा होता है। और इसके बाद उस लड़की के दिमाग में कई साल पहले के सीन्स आने लगते हैं और वो उस टाइम को याद करती है जब वो बहुत ज्यादा फ्री हुआ करती थी। और इसके बाद अचानक एक फिगर उसके दिमाग में याद आती है, कोई पर्सन, जिसके बाद वो खुद से ही कहती है, फ्रीडम। तभी ये सुनकर लिंग लुंग जी वो भी थोड़ा सा उदास हो जाता है और इसके बाद अचानक ही वो सिर उठाता है और उससे कहता है, चलो मेरे साथ और इस जगह को हम छोड़ देते हैं। तभी वो लड़की कहती है, हम केवल अजनबी हैं जो कोइंसिडेंस से मिल गए, इस बात को ज्यादा सीरियस लेने की कोई जरूरत नहीं है, अगर लक ने साथ दिया तो हम दोबारा जरूर मिलेंगे। और इसके बाद वो लड़की स्माइल करते हुए लिंग लॉन्ग जी की नजरों के सामने से हल्का सा झुकती और परियों की तरह गायब हो जाती है। साथ ही उस लड़की को जाती हुए देखकर लिंग लुंग जी उसका पीछा बिल्कुल भी नहीं करता, बल्कि उसके जाने के बाद यहाँ पे जो स्मेल रह गई थी उसे फील करके वो काफी ज्यादा सरप्राइज रह जाता है। और इसके बाद कहता है, ठीक है, जब तक मैं डीक इंसेक्ट की उस सेंट को हरा दूंगा उसके बाद मैं फ्री हो सकता हूँ और उसके बाद मैं तुम्हें खोजने के लिए जरूर आऊंगा। वही डीक इंसेक्ट की सेंट थी नालायक। नहीं, मैं कोई स्पॉइलर नहीं देने वाला, चलो आगे चलते हैं। एपिसोड का सीन शिफ्ट होता है और हमें जियो एंड बाकी सभी लोग दिखाई देते हैं। जो यहाँ पे जियो यो कहता है, मामू ये उस एक्सपर्ट की ग्रेव है। और उसके बाद वो सिर घुमाते हुए सेन जियो की तरफ देखता है जो किनारे पे खड़ा हुआ होता है। उसे पता था हेवन डिवाइन माउंटेन में अनगिनत माउंटेन रेंज थी और उनमें से काफी सारी तो ऐसी भी थी कि जो कि एशियंट एक्सपर्ट को अपने अंदर समाई हुए थी और उन लोगों ने इन माउंटेन रेंजेस का यूज अपनी ओरिजिनल बॉडी को छिपाने के लिए किया था क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि वो एक दिन वापस से पुनर्जीवित हो सकते हैं। ये सुनकर जियो काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि जो यान को जियो यो के कंपैरिजन में हेवन डिवाइन माउंटेन की ज्यादा अच्छी समझ थी। तभी सेन जियो कहता है, तुम सही कह रहे हो, ये माउंटेन रेंजेस काफी ज्यादा एशियंट है और काफी सारे एक्सपर्ट को अपने अंदर रखती हैं। साथ ही आप इन माउंटेन रेंजेस के ऊपर जा सकते हैं और इस माउंटेन के सेंटर से एक रास्ता जाता है जो सीधा ही इस माउंटेन के हार्ट तक जाता है। साथ ही माउंटेन के ओनर इस सेंटर तक भी गए थे। साथ ही वो कुछ एक्सपर्ट इस माउंटेन में रहकर अपनी बॉडी को कंडेंस करने और दूसरी बार रिवाइव होने के बारे में और पुनर्जन्म लेने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन चाहे वो कितनी भी कोशिश क्यों ना करें वो इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे। और ऐसा कहते हुए संजू इन माउंटेन रेंजेस को देखने लगता है
और उसकी आंखों में अजीब सी ही गर्मी होती है। तभी जॉन कहता है सेकंड लाइफ। जोयान को कभी भी अपनी एज की जरा भी चिंता नहीं थी क्योंकि वो अभी उस एज में था जहाँ पे खून गर्म होता है। साथ ही उसने अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा बैटल्स किए थे और उसने बैटल्स में जिस चीज का सबसे ज्यादा फेस किया था वो था डेथ, और वो हर बार मौत को छूकर बाहर आया था। लेकिन उसने अभी भी अच्छी तरीके से डेथ को फील नहीं किया था, और ये शायद वो तभी फील कर सकता था जब वो अपनी लाइफ के लास्ट में पहुंच जाएगा, तब शायद वो इसे टाइम का डर, टाइम की घबराहट को पूरी तरीके से फील कर सकता था। साथ ही जॉन को पता चाहे कोई ऐसा पर्सन क्यों ना हो जिसने टाइम को भी झकझोर कर रख दिया था, फिर भी टाइम आने के बाद उसे एक दिन तो डिस्ट्रॉय होना ही था क्योंकि सब कुछ टाइम के कंट्रोल में है। तभी सेंजीव कहता है आपको अलर्ट रहना चाहिए क्योंकि वो लोग जो अपनी बॉडी को क्रिएट नहीं कर पाए और दोबारा जन्म नहीं ले पाए वो लोग काफी ज्यादा गुस्से में भी होंगे, उन्हें अपने दिमाग पे हावी बिल्कुल भी मत होने देना। और ऐसा कहते वो काफी ज्यादा सीरियस भी होता है क्योंकि वो अच्छे से जानता था ये ओल्ड लोग कितने ज्यादा पावरफुल थे जब ये जिंदा थे, और ये उसकी लेयू लाइटिंग के कारण, उसकी इनक्वी को रिफाइन करने के कारण नहीं होता, तो वो भी इस जगह पर आने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं करता। हालांकि जैसे ही उसकी आवाज भी धीमी पड़ी ही थी कि तभी एक हल्की सी आवाज सुनाई देती है जो कि किसी मैजिकल बीस्ट की लग रही होती है, और इसके अंदर स्ट्रॉन्ग किलिंग इंटेंट ऑरा भी था। और अगले ही पल एक ब्लैक शैडो आसमान को चीरते हुए सेंजियो की तरफ बढ़ती है। ये देखकर सेंजियो तुरंत ही कहता है ये यहाँ है, और वो तुरंत ही रिएक्ट करता है जैसे उसे पता चल गया हो। और इसके बाद उसकी बॉडी से 5 ब्लैक गोल्डन क्विक चेन्स निकलती है और स्पेस में एंटर हो जाती है और ब्लैक शैडो पर अटैक कर देती है, जिससे ब्लैक शैडो दर्द से चिल्लाते हुए पीछे की तरफ उड़ जाती है। और जो यान ने देखा कि वहाँ पे कोई पर्सन था तो उसकी आंखें तो ब्लड रेड हो जाती हैं और उसके दिल में अंतहीन नाराजगी आ जाती है। जो यान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं उस पर्सन की ऐसी हालत को देखकर। तभी सेंजू बताता है ये एक ऐसा आदमी है जिसका मन गुस्से से भरा हुआ है और इसे बिल्कुल भी दर्द फील नहीं होता, और जब तक आप इसे एक ही अटैक में नहीं मार सकते तो केवल आप इसके साथ काफी लॉन्ग टाइम तक उलझे ही रह सकते हैं। और इसके बाद वो हवा में अपनी गोल्डन ब्लैक लाइट को साइन करते हुए एक पंच को क्रिएट करता है और उस बंदे की चेस्ट पे मार देता है। और उस अटैक के बाद ब्लैक शैडो जिसकी लाइफ तो पहले ही खत्म हो चुकी थी वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। तभी जो कहता है मामू इसकी टेक्निक कितनी ज्यादा खतरनाक है, ये आदमी भले ही मर गया हो लेकिन इसकी पावर एम्परर कल्टीवेशन लेवल पर थी, और भले इसका दिमाग खराब हो लेकिन फिर भी ये एक पंच तक नहीं झेल पाया। और इसके बाद जो है वो अपने ही मन में सेंजियो की पावर का आकलन करने लगता है, और उसे नहीं पता था कि ये मिस्टीरियस पर्सन इसका फाउंडेशन क्या होगा। तभी सेंजियो उसे निपटाने के बाद कहता है पहाड़ में लोगों की संख्या काफी ज्यादा हो गई है और अगर ये झुंड में आते हैं तो बचकर निकलना काफी मुश्किल होगा, एक बार जब हम इंटर होंगे तो मैं ज्यादातर लोगों को अट्रैक्ट करूंगा और आप पहाड़ के हार्ट एरिया में इंटर हो सकते हैं और अपनी कोशिश कर सकते हैं ब्रोकन स्लॉट को प्राप्त करना, ये सबसे अच्छा होगा। और ऐसा कहते हुए वो जो यान को देखता है और स्माइल करते हुए कहता है उस स्लॉट की चिंता मत करो, इतने सालों के बाद एक स्पेशल मेथड के बिना उसके ओरिजिनल पावर को वापस से बहाल करना इम्पॉसिबल है, इसलिए आपके ये कोई भी काम नहीं आएगी। और जहां तक रही बात सैंड स्केल की तो इसे आप अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं, और अगर आप किस्मत वाले रहे तो आप कुछ और भी स्क्रोल प्राप्त करने में कैपेबल हो सकते हैं। तभी जॉन स्माइल करते हुए कहता है तो फिर चलो अंदर चलते हैं और एक नजर डालते हैं कि वहां पे क्या माल है। साथ ही जोयान आसपास देख सकता था कि काफी अजीब अजीब टाइप की फ्लेम्स थी जिनने इस माउंटेन को कवर कर रखा था, और जोयान चाहता था कि कोई फ्लेम अंदर हो जो कि काफी अच्छी हो तो उसकी यांग एनर्जी जोयान के काम आ सकती थी। तभी सेंजियो कहता है चिंता मत करो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो, हम तीनों लोगों को काफी मोटा ताजा पैसा मिलेगा, मतलब माल मिलेगा। और वो इस्तेमाल करता है और वो काफी सेटिस्फाइड भी होता है, और जैसे ही वो अपनी बात कर रहे होते हैं और वो चलते चलते माउंटेन के सबसे ऊंचे एरिया में पहुंच जाते हैं और दो चार सांसों के अंदर ही माउंटेन की पीक पर, जिसके बाद जोयान वहां पे जमीन में लेट जाता है। उसे पहाड़ में बीचों बीच काफी सारे क्रैक्स दिखाई देते हैं और ये ऐसा था जैसे उनके ऊपर बिजली गिरी हो जिससे वो फट गए हो और पहाड़ को चीर डाला गया हो। तभी जो ये आसपास के सीन को देखते हुए कहता है हेवन डिवाइन माउंटेन, ये किस तरीके की तूफानी रातों को झेलने वाला माउंटेन है। जो ये तो अपना सिर खुजला रहा होता है क्योंकि हेवन डिवाइन माउंटेन की हिस्ट्री काफी ज्यादा आइकॉनिक और भव्य थी, और उसे भी नहीं पता था कि यहाँ पे क्या हुआ था और कैसे हुआ था, इसकी ज्यादा नॉलेज उसे नहीं थी। साथ ही यहाँ पे दफनाए गए एक्सपर्ट ग्रेट वर्ल्ड के लगभग आधे हिस्से को लेने में पर्याप्त पावरफुल थे। तभी सेंजू कहता है हेवन डिवाइन माउंटेन रियल डिवाइन माउंटेन है और मिंग्यांग डिवाइन डोमेन में सी मोगु यहाँ है, इसके भीतर अनगिनत मिस्टीरियस सीक्रेट छिपे हुए हैं। साथ ही वहाँ पे ले यूए भी है, ले लाइटिंग को कहा जाता है चाइनीज में, तो शायद लाइटिंग से रिलेटेड ही कोई है। साथ ही लाइटिंग के हेवन तक पहुँचने की शक्ति है इसमें। उसकी बातों को सुनकर जियो और भी कंफ्यूज हो जाता है। तभी सेंजियो कहता है नीचे जाते वक्त सावधान रहना, मुझे भी नहीं पता कि नीचे कितने लोग मारे गए हैं। और इसके बाद वो तुरंत ही छलांग लगा के दरार के अंदर घुस जाता है और गायब हो जाता है। दूसरी तरफ जोयान के बॉडी में भी क्रिम्सन गोल्डन लाइट साइन होती है और उसकी बॉडी चमक उठती है, साथ ही वो इस दरार के अंत को नहीं देख सकता था। जियो यो भी अपने सिर को खुजलाते हुए दरार के अंदर एंटर हो जाता है और आगे की तरफ बढ़ने लगता है।
और गोल्डन पर्पल लाइटों से पूरी तरीके से घेर लेती है। जिसके बाद हमें वही छोटा सा शहर दिखाया जाता है जहाँ से जियान गुजरा था, जहाँ पे एक आदमी अपेयर होता है और वो कहता है इस बार कितने लोग हेवन डिवाइन माउंटेन में एंटर हुए हैं। साथ ही यहाँ पे इस सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए काफी सारे सोल्जर्स और बंदे होते हैं, साथ ही डीकून सेक्ट के काफी सारे एक्सपर्ट भी होते हैं। साथ ही डीकून सेक्ट के पर्सन होने के कारण इनकी पावर भी काफी अच्छी थी। तभी वो हाफ लिजर्ड मैन जिसने डार्क ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए होते हैं, वो अपने हाथों को जोड़कर खड़ा हुआ होता है। उसकी आंखें काफी शांत और प्राउडफुल होती हैं और बॉडी से काफी रिच ऑरा रिलीज हो रहा होता है और वो हेवन डिवाइन माउंटेन को ही देख रहा होता है। तभी उसी स्टेज के नीचे एक ओल्ड मैन जो ऐसा लग रहा था कि मरने वाला है, कांपते हुए सूखे हाथों को झुका रहा होता है और इसके बाद वो लड़खड़ाती हुई आवाज से कहता है कुल 20,000 लोग। ये सुनकर वो तुरंत ही कहता है 20,000 लोग पिछले 100 सालों के कंपैरिजन में ये बहुत कम है। मुझे लगता है कि बाकी लोग हेवन माउंटेन में किसी और ही चीज का वेट कर रहे हैं। हालांकि तभी वो हैप्पी जेंटलमैन कहता है अपनी उंगलियों को कसते हुए, क्या तुमने उसे बताया ये हमारा आखिरी मौका है, चाहे कुछ भी हो हमें लिंग लॉन्ग जी को मारना होगा। और इस टाइम पे हैप्पी जेंटलमैन काफी गुस्से में दिखाई दे रहा होता है। तभी वो ओल्ड मैन कहता है मैंने पहले ही उसे बता दिया है, मुझे विश्वास है कि लॉर्ड की प्यारी बेटी हमारी ट्राइब के लिए अंतिम जीत जरूर हासिल करेगी। और इसके बाद वो हेल्पलेस तरीके से हंसता है। तभी वो हैप्पी जेंटलमैन कहता है जब से वो डीकून सेक्ट की सेंट बनी है वो अब मेरी बेटी नहीं है, साथ ही क्लेन के लिए भले ही वो अब इस वजह से मर भी जाए ये उसकी ग्लोरी होगी। और उस हैप्पी जेंटलमैन के प्रेशर के कारण ओल्ड मैन तो लगभग जमीन पे गिर पड़ता है। तभी हैप्पी जेंटलमैन कहता है उसे बताओ कि जिस क्षण वो सेंट बनी थी उसका जीवन अब उसका नहीं रहा, उसे ये लड़ाई हर हाल में जीतनी होगी। और हैप्पी जेंटलमैन की आवाज लगभग शहर के आधे हिस्से में गूंज रही होती है जबकि उसी सिटी के कस्बे के गहराई के अंदर एक ऊंची इमारत पर सफेद कलर के कपड़े पहने हुए एक लड़की चुप होती है और बहुत दिनों बाद उसकी आंखों में आंसू की कुछ बूंदें होती हैं। और इन्हीं आंखों की बूंदों और उदास आंखों के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट एपिसोड पे, तो लाइक से सब्सक्राइब मार देना। ओके बाय बाय फैमिली।